नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आदि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ड्रग्स की गिरफ्त में बचपन और यौवन। भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ाने से हर कोई हैरान है। अभी तक अवैध शराब बनाने के मामले सामने आते थे, अब तो पुलिस की नाक के नीचे ड्रग्स बनाई जा रही है और ये ड्रग्स प्रदेश के युवाओं और बच्चों को सप्लाई की जा रही है। प्रदेश में ड्रग्स माफिया ने अपना जाल फैला दिया है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स पेडलर बन गए हैं और युवाओं को, किशोरों को ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। आसपास के तमाम राज्यों से ड्रग्स माफिया के तार जुड़े हुए हैं। पूरा सिंडिकेट सक्रिय है। इस फलते फूलते कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अब ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री भी राज्य में स्थापित हो गई है। भोपाल में एक फैक्ट्री पकड़ाई है, लेकिन ना जाने कितनी और फैक्ट्रियां चल रही होंगी जिनकी कोई जानकारी नहीं है। ड्रग्स युवाओं और बच्चों को बीमार बना रहा है, उनका भविष्य चौपट हो रहा है, परिवार नष्ट हो रहे हैं, बच्चे किशोर युवा गलत संगति में पड़कर अपराध की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। आखिर इन सब पर रोक कैसे लग सकती है? युवाओं और बच्चों को ड्रग्स के जाल में कैसे फंसने से बचाया जा सकता है? आज की चर्चा इसी विषय पर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है जो इसको विस्तार से आपको समझाएगी, वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बकरोदा गांव स्थित एक फर्नीचर की फैक्ट्री में ड्रग्स बनाई जा रही थी। गुजरात एटीएस और एनसीबी की 15 सदस्यीय टीम ने जब इस फैक्ट्री पर छापा मारा तब फैक्ट्री का खुलासा हुआ। फैक्ट्री से करीब 907 किलो केमिकल बरामद हुआ जिसमें ड्रग्स बनाई जा रही थी। बाजार में इसकी कीमत 1814.18 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ड्रग्स बनाने वाले मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के निवासी थे और इनका नेटवर्क आसपास के राज्यों में फैला हुआ था। आरोपी ड्रग्स खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करते थे। जाहिर सी बात है, जहां मांग होती है वहीं सप्लाई होती है। मध्य प्रदेश अब ड्रग्स माफिया के जाल में फंसता जा रहा है। अभी तक तो यहां पर ड्रग्स की खेप बरामद होती थी, लेकिन अब ड्रग्स की फैक्ट्री भी पकड़ी जा रही है। आमतौर पर मांग ज्यादा बढ़ने के कारण ड्रग्स की फैक्ट्री खुलने लगती है और अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों में भी ड्रग्स के कारोबारी युवाओं और बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। राजधानी भोपाल में जो ड्रग्स पकड़ाई है उसमें 18 लाख युवाओं को नशा सप्लाई किया जा सकता था। बीते 21 सितंबर की बात है जब बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से महिलाओं ने शिकायत की थी कि इंदौर के वाल्मीकि नगर, जगदीश नगर, गोविंद कॉलोनी, सुगंधा नगर, वृंदावन कॉलोनी, गोविंद नगर, पटेल बस्ती, रामनगर, अवंतिका नगर, कुएं वाली गली, सुंदर नगर और बड़ा भागीरथपुरा में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स के कारोबारी इन बच्चों को पुड़िया पहुंचाने के 20 से 50 रुपए दे देते हैं। इन बच्चों पर पुलिस का कोई शक नहीं होता। इंदौर में ड्रग्स एडिक्ट को बच्चों का हुलिया बता दिया जाता है और वे बच्चे उसे पुड़िया पहुंचा देते हैं। बच्चे पकड़े जाते हैं तो कोई बड़ा अपराध भी दर्ज नहीं हो सकता। कानूनी कमजोरी का फायदा उठाकर नारकोटिक्स और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं ड्रग्स तस्कर, और ये ड्रग्स तस्कर किशोर से लेकर युवाओं तक सभी को ड्रग्स पहुंचा रहे हैं। इनके हाथ बहुत लंबे हैं और पहुंच बहुत तकड़ी है, लेकिन ये काला धंधा बच्चों को और युवाओं को खोखला कर रहा है। मध्य प्रदेश में ड्रग्स से जुड़े हुए मामले इतने सामने नहीं आते थे, लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसने भारी भरकम विस्फोट धमाका कर दिया है शहर में। राजधानी भोपाल में ड्रग्स की फैक्ट्री संचालित हो रही थी, बकायदा केमिकल पाया गया है और वो केमिकल भी 1-2 करोड़ का नहीं, 1814.18 करोड़ का केमिकल जिससे ड्रग्स बनाई जा रही थी। अमूमन जो ड्रग्स के कारोबारी होते हैं सबसे ज्यादा उन्हें परेशानी ड्रग्स सप्लाई करने में होती है, और जब देश के दिल में ही अगर ये सब चल रहा हो और वो भी एमपी का भी हृदय भोपाल, यहाँ सब ये कुछ चल रहा हो तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके पैर कहाँ तक फैल चुके हैं। और उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो मामला है ये छोटा नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। युवाओं की जिंदगी बर्बाद करने वाला है, उनका भविष्य तबाह करने वाला है, और ना केवल
ये सब उसके अलावा देश का भविष्य भी इनके साथ बर्बाद हो सकता है, क्योंकि देश में जितने भी युवा जो कुछ कोई बनना कुछ चाहता है, कोई पढ़ना चाहता है और गलती से भी इस लत का शिकार हो गया, तो क्या वो देश के लिए भी कुछ कर पाएगा? कई सारे सवाल हैं और वो मौजूद इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि राजधानी में जहां मुख्यमंत्री निवास है, जहां मंत्रालय है, विधानसभा है, वहां पर ये सब कुछ चल रहा था पुलिस की नाक के नीचे। इसका भांडाफोड़ हुआ, अब कहां तक ये तार जुड़ते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। जो सबसे बड़ी मछली है उस तक हाथ पहुंचते हैं नहीं, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। चलिए किस तरह से पूरा मामला सामने आया, इंदौर का भी हमने जिक्र किया तो इंदौर से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भोपाल का जिक्र किया शबाना हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोमनाथ जबलपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे और जीके पाठक साहब रिटायर्ड आईपीएस है वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये मामला छोटा नहीं है, बहुत ही संगीन है और इस मामले को उतनी संगीनता से लेने की आवश्यकता प्रशासन को भी है और इसलिए फैक्ट्री का भांडाफोड़ भी हुआ। लेकिन भोपाल में शबाना फैक्ट्री संचालित हो रही थी और ये अंदाजा अभी नहीं है कि इस तरह की और भी कितनी फैक्ट्रियां प्रदेश में संचालित हो रही होंगी। जब ये सब कुछ नाक के नीचे हो रहा होगा तो ये जाहिर सी बात है, जैसे कि बताया जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने ड्रग्स पेडलर बनाया हुआ था, यानी सप्लायर्स बनाया हुआ था, और कहां कहां तक वो ड्रग्स सप्लाई करते होंगे, कहां करते होंगे, वो भी जानना जरूरी हो जाता है। क्या कुछ जानकारी पुलिस अधिकारी इस बारे में दे रहे हैं? देखिए भोपाल के केमिकल फैक्ट्री में जो है आप देखेंगे पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा था, जिसके बाद से आरोपी गिरफ्तार हो गए थे। लेकिन आप देखेंगे गुजरात एटीएस और एनसीबी की टीम ने इस पूरी गिरफ्तारी को किया, मध्य प्रदेश पुलिस को इसकी भनक तक नहीं थी। 1800 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है और जिस तरीके से ड्रग्स को सप्लाई कर रहा था, इससे युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में थे। आप देखेंगे आसपास के जितने भी राज्य हैं वहां पे ये ड्रग्स सप्लाई की जा रही थी। जब कल भांडाफोड़ हुआ, जब कार्रवाई हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए, जिसके बाद जाके मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी मिली। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस भी सहयोग कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हुई, जिस तरीके से मध्य प्रदेश पुलिस के लोगों को अंदर नहीं जाने दिया, उससे तो यही नजर आ रहा है कि पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी नहीं थी। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब प्रशासन और जब मध्य प्रदेश पुलिस को इतने बड़े मामले की जानकारी नहीं थी, तो जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लीजिए, ऐसे मामले की बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाक के नीचे इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। और ये सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य और बड़े राज्य में किस तरीके से युवाओं के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा, तो आप सोचिए जो दूसरे राज्य में ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, हालांकि आरोपी तो पकड़ा गए, लेकिन आरोपी जो पकड़ाए हैं, मामला होने के बाद, गिरफ्तारी होने के बाद कार्रवाई होती, कानून के हिसाब से गिरफ्तारी हो जाती है, फिर वो छूट कर बाहर आ जाते हैं और फिर इसी तरह के आरोपियों को वो सह देते हैं, इसी तरह के माफियाओं को वो सह देते हैं। आप देखिए आप क्या बोलेंगी, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं अगर राजधानी भोपाल के आसपास इलाके में इतना बड़ा मामला सामने आ रहा तो पूरे मध्य प्रदेश की क्या स्थिति होगी? ऐसी कई फैक्ट्रियां जो है अवैध रूप से संचालित की जा रही होंगी। हालांकि इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी हाल फिलहाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर आरोप लगा रही है, वहीं इस पूरे मामले में सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ जो है एक फोटो वायरल हो रहा आरोपी का, जिसको मंदसौर से गिरफ्तार किया गया और एक नहीं कई फोटो वायरल हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार पर ये सवाल खड़ा होता और कहीं ना कहीं प्रशासन पर ये सवाल खड़ा होता कि जिस तरीके से ड्रग्स माफियाओं का आलम देखने को मिला, 1800 करोड़ रुपए की राशि, इसके अलावा कई किलो गांजा ड्रग्स बरामद हुआ, तो कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़ा होता है। सवाल इसलिए भी खड़ा होता है क्योंकि बात मध्य प्रदेश पुलिस के कान में ये भनक तक नहीं थी कि इस तरीके के मामला सामने आने वाले हैं। अगर गुजरात एसटीएफ और एनसीबी की टीम को ये जानकारी ना होती और इस तरीके की कार्रवाई ना होती तो आप देखेंगे ये पुलिस के नाक के नीचे इस तरीके के मामला लगातार जारी रहते। बिल्कुल, इंदौर का हम जिक्र कर लेते हैं, इंदौर का भी हमने रिपोर्ट में जिक्र किया योगेश, जहां पर कैलाश विजयवर्गीय जी से शिकायत की थी महिलाओं ने, उसके बाद मुझे लगता है तेजी देखी गई और इंदौर जैसे बड़े शहर में जहां पर काफी ज्यादा तादाद में पार्टीज होती हैं, लोग अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं और इसको भी कहना गलत नहीं होगा कि वहां पर जो युवा हैं वो क्लबिंग वगैरह में जाते तो जाहिर सी बात है अल्कोहल का सेवन करते हैं, जब वो वहां पर उन्हें वो चीज अवेलेबल है और यहाँ छोटे छोटे बच्चों से जब ये सारी ड्रग्स की अवेलेबिलिटी हो जाती है तो पंजाब ना बन जाए मध्य प्रदेश। देखिए पारुल, कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री है, उनका बार बार इस बात को लेकर जोर देना कि इंदौर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है, ड्रग्स लोग ले रहे हैं, ड्रग्स को लेकर आप पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए, तो सोचने वाली बात है। मंत्री अगर बार बार इस बात को लेकर कह रहा है इंदौर में, तो इंदौर में किस तरह की स्थिति होगी ये समझने वाली बात होगी। इस वक्त हम नार्कोटिक स्विंग में खड़े हैं, अभी हम
कुछ अधिकारियों से मिले, और सबसे बड़ा दर्द ये है कि नारकोटिक्स विभाग का ये कहना है कि हम तो पिछले साल की तुलना में 3 गुना कार्रवाइयां की है, लेकिन दर्द ये है कि उनके पास जो विभाग में स्टाफ है वो 25% है। अगर 25% स्टाफ है उनके पास, मालवा अंचल यानी कि मंदसौर इंदौर मालवा अंचल के 3 क्षेत्र उनके पास में है, इसके बाद भी वो जो कार्रवाई होना चाहिए उस तरह की कार्रवाई नहीं होती। 3 गुना होने के बावजूद भी लगातार जो है नशे का कारोबार बढ़ रहा है, और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए ये जिम्मेदारी बन जाती है कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए। पुलिस का भय, हमने जब अधिकारी बात की पुलिस का भय कैसे बने, उन्होंने कहा पुलिस का भय बनाने के लिए हमें लगातार कार्रवाई 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 करना पड़ेगी, और कार्रवाई तब होगी जब हमारे पास लगातार बड़ा स्टाफ होगा तभी हम कार्रवाई करेंगे। हम आपको बता दें कि इंदौर शहर में कैलाश जी के बोलने के बाद में भी इतना बड़ा कोई असर देखने को नहीं मिला है। अभी कल रात को बालदा कॉलोनी में ड्रग्स के जो है छोटी बस्ती में कारोबार ज्यादा पनपता है, छोटी बस्तियों में ज्यादा ये जो है नशे के पुड़िया बिकना है, ड्रग्स है, एमडी ड्रग्स है, ये सब बिकती है, और यहाँ से पबों में होती है। इंदौर का जो कल्चर है पारुल पब कल्चर बन गया है, पब कल्चर बनने से यहाँ पर आपका ऑडियो नहीं आ रहा है योगेश का ऑडियो नहीं पहुंच रहा है मेरे पास, मैं लौटूंगी आपके पास। योगेश आप अपनी बात कंटिन्यू कर लीजिएगा, मैं लौटूंगी, पहले ऑडियो देख लेते हैं हम। ठीक है, जबलपुर से हमारे सहयोगी सोमनाथ भी जुड़े हुए हैं, जबलपुर का भी जिक्र होता है, बड़ा शहर जबलपुर ग्वालियर ये भी गिने जाते हैं। जाहिर सी बात है इस मामले जब ये तार यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं तो इनके सप्लायर्स कहाँ कहाँ हैं, पेडलर्स कहाँ कहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी जबलपुर में इसको लेकर मिल पा रही है? देखिए बता दें कि जबलपुर में भी इस तरह के पूर्व में कार्रवाई हुई थी, जो ड्रग्स इस्तेमाल किया जाता था पूर्व में ओमती थाने ने कार्रवाई की थी, तो लगातार जबलपुर में भी इस तरह के है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है जमीन की तत्ती, जो लोकल पुलिस है जबलपुर की उसको देखरेख करनी चाहिए, देखना चाहिए कि व्यवस्था कहाँ पे क्या चल रहा है, और नगर नियम सबसे बड़ी बात है कि नगर नियम के जितने भी कारखाने या जो भी चल रहे हैं तो नगर नियम को भी विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पे संचालित क्या हो रहा है। अगर इस हादसे के बाद अगर पूरी जमीनी हकीकत पर पुलिस जाएगी तो पूरे मध्य प्रदेश में अनेक खुलासे हो सकते हैं, और पूछताछ के बाद भी पता चलेगा, अभी इनसे पूछताछ की जाएगी तो इसमें भी कई खुलासे होंगे, ऐसी कई फैक्ट्रियां जो है संचालित हो रही होंगी, और अब जरूरत है कि पुलिस को इसकी जाँच करनी चाहिए ताकि और नए खुलासे हो सके। जी पारुल जी बिल्कुल, और नए खुलासे हो सके इसको लेकर और भी तेजी से जांच करनी होगी, अलग अलग टीमें सक्रिय करने की आवश्यकता है, क्या कुछ किया जा सकता है? जीके पाठक जी रिटायर्ड आईपीएस है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीके पाठक जी, राजधानी भोपाल में गोरख धंधा पनप रहा था, फर्नीचर जहां पर ऑलरेडी बहुत ही केमिकल स्मेल है, आसपास के लोगों को बहुत ज्यादा शक भी नहीं हुआ होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में वहां पर ड्रग्स बनाने वाला जो केमिकल है वो मौजूद था, और फिर जब जैसे ही सूचना मिलती है पुलिस इस पूरे मामले में उस फैक्ट्री से इन सब चीजों को बरामद करती है, सवाल ये कि ये तार कहां कहां जुड़े होंगे, और ये फैक्ट्री जब राजधानी में संचालित हो सकती है तो बाकी जगहों पर क्या हो रहा होगा, किसी ग्रामीण अंचल में, किसी ऐसी छोटी जगह में जहां पर बहुत ज्यादा कोई नहीं जाता होगा, कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए क्या है कि पूरे सिस्टम में चाहे वो किसी भी कंट्री में भी जाइए आप, एक मतलब आज की तारीख में दुनिया में हथियारों के बाद नंबर दो का कारोबार ड्रग है, और तीसरा बड़ा कारोबार ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, तो ये जो दूसरा बड़ा कारोबार है इसमें लाखों लोग ग्लोबल लेवल पे इन्वॉल्व हैं, मैनेज हैं, ये काम करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है जो बात आपने कही, इसी भोपाल में 2008 में जी गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी एक नक्सलाइटों द्वारा फैक्ट्री चलाई गई हथियारों की, रॉकेट बनाने की, जो कि पूरे इंडिया के नगेट को यहाँ से सप्लाई हो जाता था, उन्होंने यहाँ एक घर भी ले रखा था, और पूरा जो इंडस्ट्री के नाम पे जो बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का एक प्लॉट घर था वो उन्होंने किराए पे ले रखा था, उसमें एट द टाइम आई वाज इन भोपाल लाखों रुपया भी बरामद हुआ था, और उसके लिए भी बीएसएफ आर्मी वाले एक्सपर्ट आए थे कि ये कौन से हथियार करके। मेरा आपको कहना ये है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया की लैंड जिनको दी गई है, पहला काम तो ये है कि कोई न कोई बनाना चाहिए, मैं आपको समाधान बना रहा हूँ, कोई न कोई इसकी चेकिंग का सिस्टम होना चाहिए इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट द्वारा कि भाई जिसको हमने जिस काम के लिए दिया है वो काम उसका हो रहा है या क्या उपयोग हो रहा है, नंबर वन पॉइंट।
दूसरी बात, मैं आपको 2008 से इसके लिंक इसलिए कर रहा हूँ कि ये 2024 में एक बहुत बड़ा ऐसा और ये जो ये ड्रग वाला है ये मिला है। तीसरी एक बड़ी चुनौती है कि इसी तरह के एरियाज में टेररिस्ट या मिलिटेंट लोग भी ऐसे बढ़िया हब बना के शहरों में रहते हैं ताकि उनको कोई पकड़ न पाए और अपना काम संचालित करते हैं। पिछला आप हिस्ट्री देखेंगे तो भोपाल से भी कई जगह इस तरह के टेररिस्ट लिंक और मिलिटेंसी के लिंक आपको मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं सोचता हूँ इसका समाधान ये है, नंबर वन क्या होता है कि पुलिस के पास काम ज्यादा रहता है, लोग अपने बर्डन में लगे रहते हैं तो ध्यान नहीं दे पाते। एक तो आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि जिसका भी घर है उसमें कौन रह रहा है, किसको वो किराए पे दे रहा है, किसको काम पे दे रहा है, उसके आधार कार्ड और फुल प्रूफ जानकारी उसको थाने में देने का नियम, मतलब सर्फेसियल नियम है लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है, नहीं कोई उसको चेक कर रहा है। तो ये कहीं भी किसी भी जगह गाँव में जहां उनको कंफर्ट लगे वो ऐसा कर सकते हैं। एक तो पुलिस को ये इन्वॉल्वमेंट अपना बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना ही होगा। और दूसरी बात यह है कि जो पेडलर पकड़े जाते हैं, जो लोग पकड़े जाते हैं, पूरा मालवांचल है जहाँ की अफीम होती है उसका जो डिस्ट्रॉय होता है, उसका होता होगा इसके बड़ा वो क्या कहते हैं वो जो उसका जो वहाँ जो होता है जिसका वो जिससे अफीम का जो क्या बोलते हैं उसको जो छिलका होता है, तो ये भी बहुत बड़ा पूरा इंटरनेशनल लेवल पे इसका उपयोग हो रहा है, उसकी बिक्री का भी अभी शायद खत्म कर दिया है वो। तो ये बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो हमारे लीगल सिस्टम को, पुलिस सिस्टम को, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को या जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं जो जिस सरकारी सिस्टम में काम कर रहे हैं उनको अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छी तरह करना पड़ेगा। स्टेट पुलिस से ऐसा लिंक ऐसे रखने पड़ेंगे जो टॉप लेवल पर लोग रखते हैं, कोई नारकोटिक्स हैं या दूसरे हैं या नारकोटिक कमिश्नर हैं, उनका सबसे बड़ा काम ही है कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर जो इस तरह के क्रिमिनल छूट रहे हैं उनकी एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट करना। नीचे के लेवल के लोग काम करते हैं, ऊपर के लोगों का काम है कोऑर्डिनेट करना। अगर हम कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ा दुखद है, इस तरह की घटनाएं किसी कस्बे में किसी भी शहर में बढ़ती जाएंगे। और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का काम क्या है कि आप जो 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 किराएदारों की सूची है, जो जो लोग नए आ रहे हैं उनके रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, किसी के पास कोई देखने वाला नहीं। और ये सामाजिक जागरूकता का भी विषय है कि आपके आस पड़ोस में आकर अगर कोई काम कर रहा है, कोई भी फैक्ट्री संचालित हो रही है तो नजर रखें कि वहाँ पर दरअसल हो क्या रहा है। एक मैं आपको सेव करूंगा, सामाजिक जागरूकता तो समाज ने तो मान के लिया कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये भी देखा होगा कि बगल अगल में बच्ची 5 साल की रेप हमें क्या लेना देना, ये फैक्टर जो लोगों के जहन में आ गया है ये बहुत ही खतरनाक हो चला है। और इसके बाद जब आपके खुद के आपके परिवार के लोग ऐसी तरह की घटनाओं का शिकार हो जाते हैं तो फिर आप ये कहते हैं, फिर आप दूसरों पर दोष देते हैं, सिस्टम पर दोष देते हैं। लेकिन बहुत पुरानी रीति है कि जब जब समाज जुड़ा है जिन चीजों से तो उसमें इस तरह की गलत भावना रखने वाले या इस तरह के गलत काम करने वाले पनप नहीं पाए हैं। जो एक आ जाता है ना कि अब इतनी तेज हम क्राइम देख रहे हैं होता हुआ या इतनी बड़ी तादाद में क्राइम देख रहे हैं, उसकी वजह कहीं ना कहीं ये समाज भी है जो अब जुड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। सबको अपने अपने दरवाजे से मतलब है कि अंदर आइए, दरवाजा बंद कीजिए, दूसरे दरवाजे पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है आपको लेना देना नहीं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। खैर, जी के पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ और भी सहयोगी जुड़े हुए हैं। जिस तरह का जिक्र जी के पाठक जी ने किया, मैं वापस योगेश आपके पास आ रही हूँ कि रोकने को इसे रोका जा सकता है तो प्रशासन की, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की इच्छा शक्ति उतनी तेज होनी चाहिए। और दूसरा सामाजिक जागरूकता कि आपके आसपास में कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी, कोई भी काम हो रहा है, आपकी किराएदारी क्यों ना हो, वो किस तरह के हैं, क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये लेना देना बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई बार लोग निडर होके काम कर भी लेते हैं। आपको डराएंगे बाद में, आप तो पहले से ही डरे हुए हैं। देखिए पारुल, इच्छा शक्ति की बात करी कि नारकोटिक्स विभाग की इच्छा शक्ति के अलावा उनके पास सबसे बड़ा एक उनकी पीड़ा समझी है, जब ऑफ द रिकॉर्ड हमने बात की, उनके पास पीड़ा है कि उनके पास टीम नहीं है। 25% स्टाफ और उनका पूरा मालवांचल, यानी 25% स्टाफ वो काम कर रहे हैं। अगर डबल स्टाफ यानी 50% देगा तो बहुत हद तक वो कार्रवाई कर सकते हैं। अब दूसरा विषय आपने बताया कि लोगों को लेना देना नहीं, आसपास अगर कोई क्रिमिनल व्यक्ति रहता है, इस तरह का कोई एक्टिविटी वाला व्यक्ति रहता है जो ड्रग्स ले रहा है या यंगस्टर्स आ रहे हैं, लोग ये चाहते हैं कि हम इस मुसीबत में क्यों पड़े।
कल को अगर हम इस मुसीबत में पड़े, अगर हम इसके आगे आवाज उठे तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में कोई, क्योंकि हर व्यक्ति परिवार लेके बैठा, तो हर आदमी चाहता कि ये काम पुलिस का है, नारकोटिक्स विभाग का है, विभागों का है, तो इसकी जानकारी उनके पास, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो इनका फेल होता है। इंटेलिजेंस ब्यूरो को जानकारी होती है लेकिन वो कार्रवाई नहीं करती, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार भी दिखाई देता है कि भ्रष्टाचार एक जैसे पबों में हमने बताया कि पबों में आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तो पबों की जब जानकारी उनके पास, बिल्कुल ऐसी जगहों की जानकारी होती है तो तुरंत ही कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कई बार ये भी होता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड या फिर किसी की सरपरस्ती भी रोकती है कार्रवाई करने से, कई बार इस तरह के भी मामले सामने आए। शबाना की तरफ रुक कर लेते हैं। शबाना, टीम को लेकर जिक्र हुआ कि अमला उतना होना चाहिए कि वो समय रहते इस जानकारी को जुटा भी सके। जी देखिए, इतने बड़े मात्रा में कारोबार चल रहा था तो जाहिर सी बात है सालों साल लगते इस कारोबार को खड़ा होने में, कोई आज या कल का कारोबार नहीं है। और गुजरात से जब टीम आई थी यहाँ पर जांच करने तो पुलिस को कैसे नहीं पता चला। देखिए जाहिर सी बात है, अगर आप अमले की बात कर रहे हैं तो कई केस इतने बड़े होते हैं कि जब आपको निपटारा करना होता है तब अमले की अगर बात की जाए तो अमले की कमी तो वैसे भी है, क्योंकि अगर अमले की कमी ना होती तो क्या पुलिस के अधिकारियों को छुट्टी नहीं मिलती क्या, पुलिस कर्मचारियों को छुट्टी नहीं मिलती क्या? ऐसे में जब अमला लगाया गया काम के लिए लगाया तो निश्चित तौर पर उनको वहां जाके जांच करनी चाहिए। ऐसे कई और जगह पे अवैध जो है वो काम चल रहे हैं, वहां पे जांच करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ड्रग्स का मामला सामने आया, ड्रग्स पकड़ाई है, ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस के नाक के नीचे ये कारोबार हो रहा था और बड़ी मात्रा में हो रहा था, और इससे कई लाखों युवा प्रभावित हुए इस बात को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि सालों से भी एक कारोबार चल रहा था। ऐसे में अमले की कमी को लेकर अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कमी तो है ही, लेकिन जब उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, सारी चीजें मान ली है, तो जाहिर सी बात है जांच निश्चित होना चाहिए। और अभी जो पुलिस जांच कर रही है, हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस को बाद में पता चला, पुलिस के अभी अधिकारी फिलहाल उस मामले में कोई बयान नहीं दे रहे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कहां तक जांच पहुंची, कैसे इतना बड़ा कारोबार खड़ा किया, क्या कुछ जो उनका सपोर्टिंग सिस्टम रहा, क्या बहुत बड़ा फेलियर है कि गुजरात से अगर कोई टीम आई उसके बारे में जानकारी नहीं हासिल हुई या नहीं पता चला, ये अपने आप में बहुत बड़ा फेलियर है। और अब ऐसे में एक मामला सामने आया है, इसी तरह से ये जांचें चलती रहें, आगे जानकारी जुटाई जाए तो और भी ऐसी जगहों पर अगर इस तरह का निर्माण हो रहा है, केमिकल है जिसको ड्रग्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, उसके बारे में पता चल सकेगा। वरना एक मामले एक बार ठंडे बस्ते में अगर चले गए तो फिर से ये जो कारोबारी हैं, ड्रग्स माफिया हैं, फिर से पनप जाएंगे। खैर, भोपाल में खास तौर पर जहाँ पे अभी एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, हम बात कर रहे थे ड्रग्स जो इंसान को खोखला कर रहा है, जो युवाओं को खत्म कर रहा है, देश के भविष्य पर आघात कर रहा है, और आपको भी एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है कि इस तरह के मामले अगर आपके आसपास कहीं आपको दिखाई देते हैं या शक होता है कि कोई बच्चा, देखिए इंदौर में भी तो हुआ ना, इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय जी से महिलाओं ने शिकायत की, जिसके बाद हम देख रहे हैं वहां पर भी एक्टिविटीज दिखी, सिस्टम ने, प्रशासन ने चेक किया। और उसके बाद अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में फेलियर इसलिए भी बताया जा रहा है कि गुजरात से टीम आई, उसने चेक किया, यहाँ भोपाल के पुलिस प्रशासन को, नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को पता ही नहीं, और अगर नहीं पता है तो अपने आप में बड़ा फेलियर है। इतने समय से कोई फैक्ट्री संचालित हो रही थी और हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं या हमारी जो सूचना तंत्र है वो सब किस लिए है फिर, जब इतना बड़ा फैक्ट्री संचालित हो रही थी और किसी को पता ही नहीं चल रहा था। तो ये बड़ी बात है जिसको गंभीरता से लेना होगा और आगे भी इस पर बहुत सटीक और संवेदनशीलता से कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि अब देखिए हमने देखा अलग अलग राज्यों में किस तरह से खबरें निकल कर आती रही हैं ड्रग्स को लेकर, कहीं मध्य प्रदेश भी उसी तरीके से न जाना जाने लगे, इसलिए मध्य प्रदेश के प्रशासनिक तंत्र को और नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को इस मामले में सक्रिय होना होगा और ऐसे जो ड्रग्स माफिया हैं उनको सीधे हवालात तक पहुँचाना होगा ताकि इस तरह के माफिया और ना पनपे। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।